आप सभी को नमस्कार। मैं आचार्य किशन महेश्वरी आज आप सभी को एक वहम से बाहर निकालता हूँ, जो आप लोग प्राय प्राय सवाल करते हैं कि आचार्य जी, हमने साउथ फेसिंग मकान लिया है या हम साउथ फेसिंग मकान में रहते हैं। तो साउथ दिशा के मकान का जो वहम लोगों के दिमाग में घुसा पड़ा है, उसको आज हम प्रयास करते हैं ज्योतिष के माध्यम से समझाने का, एक सूत्र बताते हैं। देखिए, साउथ फेसिंग में कोशिश तो यही हो कि ये लोग ना रहें जिनका मंगल खराब हो या जिनका राहु खराब हो। साउथ दिशा का जो मालिक है वो मंगल ग्रह है। अगर मंगल सच में ही कुंडली में खराब है तो आपको साउथ फेसिंग में रहने में नुकसान होगा। ये मैंने काफ़ी घरों में ये समस्या देखी है। अब अगर आप रह रहे हैं तो आप बहुत नज़दीक में किसी पंडित जी से पूछ लीजिए कि हमारा मंगल और राहु की पत्रिका में क्या स्थिति है। अगर दोनों स्थिति खराब है तो भाई मेरे हिसाब से तो रहना नहीं चाहिए। उसके बाद भी अगर आपकी मजबूरी है रहना ही है तो क्या करें, ऐसा उपाय जिससे आपका साउथ फेसिंग मकान से आपका वहम दूर हो और जो नुकसान हो रहा है वो बार बार वो कम हो जाए। पहले साउथ फेसिंग मकान का एक लक्षण बताता हूँ। देखिए, साउथ फेसिंग मकान में हमारे शोध में जो पाया है उसमें मेहमान नहीं आते हैं। अगर कोई मेहमान इक्का दुक्का कभी आ गया तो रात को कभी नहीं रुकेगा, वो शाम होने से पहले अपने घर वापसी जाने का प्रयास करेगा। अगर ये लक्षण है तो आपको समझ में आएगा कि साउथ फेसिंग मकान में क्या प्रॉब्लम हो रही है। दूसरे में हमने देखा, साउथ फेसिंग में लास्ट में एंड में बड़ी उम्र के लोग रह जाते हैं। बच्चे या तो विदेश चले जाएंगे या किसी और मकान में जाके शिफ्ट हो जाएंगे, यानी जो पेरेंट्स हैं वो अकेले अपना जीवन लास्ट में साउथ फेसिंग में निकालते हैं। अब आपको इसका दुष्प्रभाव दूर करने का एक उपाय बताते हैं। आप बाजार से एक पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा लाएं, उसे अपने मुख दरवाजा पे लगाएं और ऐसी लगाएं कि एक प्रतिमा बाहर और एक प्रतिमा अंदर हो और दोनों का जो पीछे का जो पोर्शन है वो सेम सटा हुआ हो, यानी कि एक इंच भी इधर उधर नहीं हो। ऐसा करने से आपका साउथ फेसिंग का जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। एक उपाय और आपको बताते हैं। कोशिश करें, प्रयास करें, जो चौखट है उसकी चौखट के नीचे एक चांदी का तार लगवा दीजिए या एक चांदी की पत्ती लगवा दीजिए, उससे भी आपका ये दुष्प्रभाव खत्म होगा। बस साउथ फेसिंग में यही ध्यान रखिए कि जो दरवाज़ा है वो बहुत गहरा शोध बता रहे हैं, ये बहुत कठिन विषय की बात आई तो ये शोध बताते हैं। वो जो दरवाज़ा जो खोलते बंद करते हो वो एक अकेला ना हो, यानी साउथ फेसिंग मकान के जो दरवाजे हैं वो दो दरवाजे हों और दोनों दरवाजे खोलने और बंद करने से, यानी दोनों साइड उसके जो पेच है वो कसे होने चाहिए। इससे निश्चित आप बचेंगे। आप अजमा के देखिए, निश्चित आपको फायदा होगा। आशा है विषय आप सबको समझ में आया होगा। मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ।